इन बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी हब पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 और 26 के फॉर्म आउट हो चुके हैं। क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ दोनों के फॉर्म निकल चुके हैं। बात करेंगे एग्जाम डेट की, एग्जाम फीस की, इन सभी टॉपिक के बारे में आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज कर कर अपना नाम और क्लास जरूर बताएं। हेल्पलाइन नंबर 8059487840। नोट्स के रिगार्डिंग, फॉर्म के रिगार्डिंग, एनी इंक्वायरी फॉर यूपी सैनिक स्कूल, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। तो पहले बात करते हैं TMKP, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड सैनिक स्कूल गोरखपुर यूपी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल हैं? दो। कहां कहां पर है? एक है लखनऊ में, दूसरा है गोरखपुर यूपी में, ठीक है। अब बात की जाए लखनऊ वाले स्कूल की तो लखनऊ में जो स्कूल है उसका पूरा नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे। क्या है? कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, सैनिक स्कूल गोरखपुर यूपी आर इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल एंड एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। CBSE से एफिलेटेड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक स्कूल गोरखपुर में है और एक यहां पर है लखनऊ में। तो ये लिखा हुआ है CMKP, तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। अब बात करते हैं कौन कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है। एप्लीकेंट एंड फादर ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी ए डोमोसाइल यूपी, उत्तर प्रदेश का ही बच्चे का डोमोसाइल हो या उसके पिता का हो वो ही इस फॉर्म को भर सकता है। अब बात की जाए डेट ऑफ बर्थ की तो जो बच्चा क्लास सिक्स का फॉर्म भरना चाहता है, जो बच्चे क्लास नाइन्थ का फॉर्म, क्लास सिक्स के लिए 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016 के बीच में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। क्लास नाइन्थ के लिए 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013 के बीच में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास सिक्स के लिए ओनली बॉयज हैं और क्लास नाइन के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। सैनिक स्कूल गोरखपुर में क्लास सिक्स के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, क्लास नाइन्थ बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। क्लियर? क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ दोनों क्लासेस के लिए बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लास सिक्स में बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीट रिजर्वेशन की तो टोटल वैकेंसी 27% है स्टेट के लिए, ओबीसी के लिए 21% है, एससी के लिए 2% है और एसटी के लिए 10% है। ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट क्लास नाइन्थ बॉयज यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। विमुक्त जाति, एक जाति होती है विमुक्त जाति, नॉट बी कंसिडर्ड इन एसटी कैटेगरी। अब बात करेंगे स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन तो एग्जाम कैसा होगा? OMR बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन वाला पेपर आएगा, इसमें आता है A, B, C, D, ठीक है। एक एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में होता है लिखने वाला। इंटरव्यू एंड रिजल्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org पर संपर्क करें। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर आएगा? आगरा में, अयोध्या में, बरेली में, गाजियाबाद में, गोरखपुर में, झांसी में, मेरठ में, प्रयागराज, वाराणसी एंड लखनऊ। 10 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है। अब बात की जाए फीस की तो फॉर्म की फीस है 1000 रुपये। फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। अब लेट फीस के साथ अगर आप 25 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं
तो 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म की फीस लगेगी, लेट फीस 2000, यानी कि 1000 फॉर्म की फीस प्लस 2000 लेट फीस, फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा 3000 यानी कि 3000 रुपये में। तो आप सभी देरी ना करते हुए 25 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म 1000 रुपये की फीस में अप्लाई करें। अब बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, प्रिंट निकाल लेना। अब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में तो 8 नवंबर से 10 नवंबर आप नाम, क्लास, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्रिंट होगा 5 दिसंबर को, एडमिट कार्ड कब होगा 5 दिसंबर 2024 को, और रिजल्ट कब आएगा एंट्रेंस एग्जाम के बाद, वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। फीस रिफंड नहीं होगी, साफ साफ लिखा हुआ है, और एडमिट कार्ड 5 दिसंबर 2024 को जो आपके आईडी पासवर्ड है उनको लॉगिन कर कर आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की जो डेट है वो 29 दिसंबर 2024 संडे को आपका एग्जाम होगा। फॉर्म की लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, 5 नवंबर को क्या हो जाएगा एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, और मेडिकल कब होगा आपका एंड इंटरव्यू 10 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच में आपका मेडिकल और इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन 15 मार्च से 20 मार्च के बीच। अब बात करते हैं स्कूल फीस की, तो 50,000 पर एनम यानी कि सालाना 50,000 रुपये फीस एक्सपेक्टेड मानी जाती है, क्लियर। डोमोसाइल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, डोमोसाइल सर्टिफिकेट इशू बाई कंप्लेंट अथॉरिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा जब आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर जो स्कूल से आपको मिलेगा, डोमोसाइल कहाँ से आप रहने वाले वो, कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में एग्रीमेंट बॉन्ड 100 रुपीज, ठीक है, आइडेंटिटी 50 रुपीज, एफिडेविट 10 रुपये का, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और ओरिजिनल मार्कशीट क्लास 6 और क्लास 8 के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बेस्ट रेडी हब की टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। धन्यवाद।